हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक लेक्चर मैंने डाल चुका हूं जिसमें लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताया हूं और उसको डिस्कस किया हूं दोस्तों, है ना, समझाने की कोशिश किया हूं। लॉर्ड क्लाइव के बाद सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग के बाद हमने जो गवर्नर जनरल बने थे दोस्तों, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको भी डिस्कस कर लिए दोस्तों। इस लेक्चर में हम कॉर्नवालिस के बाद के जो गवर्नर जनरल हैं उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं और जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल सके। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, सर जॉन सोर। तो दोस्तों, सर जॉन सोर जो है ये 1793 से लेके 1798 ईस्वी तक के भारत, यानी ईस्वी तक के ब्रिटिश अधिकारी थे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ये गवर्नर जनरल रहे हैं दोस्तों। तो अपने को पता होना, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे हैं 1793 से 98 ईस्वी तक के रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये किस लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हस्तक्षेप नीति के लिए कौन जाना जाता है, हस्तक्षेप नीति के लिए कौन जाना जाता है। तो हस्तक्षेप नीति के लिए जॉन सोर जाने जाते हैं। तो हस्तक्षेप नीति क्या थी? तो किसी के मामले में हस्तक्षेप, है ना, यानी हस्तक्षेप नहीं है, अहस्तक्षेप है, आ लगा हुआ है, अहस्तक्षेप। तो किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना ही हस्तक्षेप नीति कहलाई दोस्तों, यानी कि किसी के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये उसने एक नीति अपनाई थी, इन्होंने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी, है ना। और ब्रिटिश संसद में 1793 को चार्टर एक्ट पास किया था, उसी चार्टर एक्ट में अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी दोस्तों। इसके शासनकाल में ही निजाम और मराठा के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध हुआ था जिसमें सोर ने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी सोर ने, यही वाली नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी दोस्तों। तो अहस्तक्षेप नीति क्या थी, इसको इंग्लिश में लेसेज फेयर नीति बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है सरकार लोगों के जीवन में, खासकर पैसा और कारोबार से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस नीति के तहत लोगों को अपने पसंद के मुताबिक फैसले लेने की आज़ादी होती है दोस्तों, आज़ादी मिल गई थी। तो सरकार जो थी वो किसी के बीच में, किसी के मामले में फटे में टांग नहीं डालेगी, किसी के मामले में अपना नहीं करेगी, तुमको जो करना है करो, उसका ये था मतलब। यानी किसी के मामले में जैसे कोई युद्ध कर रहा है, कोई राजा यारो, तो ये खुद अपने हिसाब से वो कर रही थी ना। तो इसने ये क्यों लाया था दोस्तों, क्यों अपनाया था इसने, इसलिए अपनाया था कि भारत की जनता और बाकी शासकों को लगे कि ब्रिटिश सरकार ठीक है और अच्छे से काम कर रही है, या किसी से कोई मतलब नहीं रख रही है, अपने हिसाब से शासन चला रही है, इसलिए इसने वाली नीति लाया था दोस्तों। तो अहस्तक्षेप नीति पूछेगा तो सर जॉन सोर, ये याद रखना है। इसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेले जली, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड वेले जली जो थे ये पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रहा है। इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा है दोस्तों, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, तो ये खुद को बंगाल का शेर कहता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए याद रखना है। इसने खुद को बंगाल का शेर कहा है, है ना, बंगाल का शेर कहा है। तो लॉर्ड वेले जेली जो थे ये 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी इसने। सहायक संधि के लिए कौन जाना जाता है पूछा जाएगा, किसने लाया था, तो सहायक संधि क्या थी, है ना, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की आंतरिक और बाहरी रक्षा ब्रिटिशों द्वारा की जाती थी, उसे ही सहायक संधि बोला जाता है दोस्तों।
सहायक संधि को मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की, सहायक संधि जो भी स्वीकार करता था तो स्वीकार करने वाले राज्यों की आंतरिक और बाहरी रक्षा ब्रिटिशों द्वारा की जाती थी। इसलिए ब्रिटिशों का एक सशस्त्र दल उस राज्य में तैनात किया जाता था, तो तैनात किया जाता था, समझ में आया। तो सहायक संधि पद्धति क्या थी, तो हम उसको मैंने सार करके सबको बता दिया। तो दोस्तों सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई एक संधि थी। यह राजनीतिक और सैन्य रणनीति थी जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासत पर नियंत्रण स्थापित किया था। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अंग्रेज के हाथों अपनी संप्रभुता छोड़नी पड़ती थी, यानी खोनी पड़ती थी या छोड़नी पड़ती थी, ये बोल सकते हैं हम। तो सहायक संधि किस किस ने साइन किया था, तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेले जेली के पूर्व भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी कर चुका है दोस्तों। एक बार फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी एक बार इस संधि का प्रयोग कर चुका है। समझ आया दोस्तों, वेले जली, लॉर्ड वेले जली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। इस सहायक संधि करने वाले राज्य कौन से थे जिसने जो इससे जुड़े थे सहायक संधि से, तो एक था हैदराबाद दोस्तों। हैदराबाद 1798 में सहायक संधि में हस्ताक्षर किया। दूसरा मैसूर राज्य था, उसने भी, मैसूर राज्य भी जुड़ा। तंजौर है ना, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में जुड़ा। अवध भी सहायक संधि पद्धति में शामिल हुआ था 1801 ईस्वी में। पेशवा है ना, पेशवा भी दिसंबर 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बारार और भोसले ने दिसंबर 1803 में सहायक संधि स्वीकार करी थी। और सिंधिया ने 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर थे, जयपुर था, मच्छेड़ी थी, बूंदी था और भरतपुर था। इसके अलावा एक नोट याद रखना है, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, पूछा जा सकता है। इसमें से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी ऐसा पूछा जा सकता है, तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये पता होना, और जो जो स्वीकार किए उनका नाम एक बार पता होना। तो सहायक संधि इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेले जली ने इस पद्धति को शुरू किया था, याद रखना है। टीपू सुल्तान जो है ये कब मारा गया, ये पता होना अपने को। टीपू सुल्तान कब मारा गया तो टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को चौथे अंगल मैसूर युद्ध के दौरान श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में मारा गया था। कब, ये 1799 में 4 मई है ना, 4 मई 1799 को चौथे अंगल मैसूर युद्ध के दौरान श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में मारा गया था दोस्तों, मारा गया था, तो ये याद रखना है। तो ये पूछा जाता है टीपू सुल्तान चौथे अंगल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया था, इतना याद रखना है। उसके बाद इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए एक युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, है ना। तो कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ये पता होना अपने को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों किसने, लॉर्ड वेले जली ने। और जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलाया गया। एक नोट लिखा है देखो, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, है ना, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारी और शिक्षा के लिए और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में, कहाँ पे, इंग्लैंड के हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था दोस्तों, जहां नव युवक प्रशासकीय अधिकारी को दो वर्ष तक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये याद रखना है, ईस्ट इंडिया कॉलेज कहां खोला गया था, तो लंदन इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में खोला गया था, ये बात याद रखें। अरे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता वाली चीज़ें याद रखें, इतनी चीज। उसके बाद लॉर्ड वेले जली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा है, मैंने बताया था लॉर्ड वेले जली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा है, ये पता होना। तो बंगाल का शेर कहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल का शेर स्वयं किसने कहा, किसको, खुद को कहा, तो लॉर्ड वेले जली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा है, पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, तो लॉर्ड वेले जली के कार्यकाल कंप्लीट हुआ उसका, है ना। तो लॉर्ड वेले जली 1805 तक के गवर्नर जनरल था, तो 1805 में ही लॉर्ड
कॉर्नवालिस को फिर से 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना, गवर्नर जनरल बनाया गया था। अपने पढ़े थे 1786 से लेके 1793 तक के एक कार्यकाल रहा उसका, किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। फिर दूसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए 1805 में इसको सोचे कि इसको फिर से गवर्नर जनरल बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर थे जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों क्या होता है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई, देखो लिखा हुआ है, परंतु शीघ्र ही 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी समाधि या मकबरा या इसको कहां दफनाया गया था पूछा जा सकता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर था जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में, याद रखना है कहां पे, गाजीपुर यूपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गाजीपुर यूपी में है स्थित, याद रखना है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। तो इस तरीके से ये वेले जली वाला कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट है सर जॉर्ज वार्लो। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सर जॉर्ज वार्लो से क्या अपने को पता होना, सर जॉर्ज वार्लो से अपने को पता होना कि क्या पता होना इससे, तो सर जॉर्ज वार्लो 1805 से लेके 1807 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है दोस्तों। काफी अल्प था इसका कार्यकाल, काफी छोटा रहा है। तो ये एक चीज याद रख सकते हैं। और इसी के टाइम पे 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसी के काल में महत्वपूर्ण घटना थी, तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, सर जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में हुआ था। तो क्या था ये? तो दोस्तों इसने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठा पर, इसी के टाइम पे अंग्रेज सरकार की थोड़ी सी प्रतिष्ठा गिरी और इन्हें प्रशासनिक काल में वेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो क्या था, है ना, तो दक्षिण भारत के शहर वेल्लोर में हुआ था यह विद्रोह। यह भारतीय सिपाहियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया पहला और हिंसक विद्रोह था दोस्तों, तो विद्रोह का कारण मैं आपको बताऊं, विद्रोह की वजह अंग्रेजों की मनमानी थी और भारतीय सैनिकों का जबरन धर्म परिवर्तन था, है ना, जबरन धर्म परिवर्तन था। तो क्या हुआ था 1805 में दोस्तों, 1806 में हुई थी विद्रोह, लेकिन 1805 में क्या हुआ, नवंबर 1805 में ब्रिटिश कंपनी ने सेना के ड्रेस कोड में बदलाव कर दिया था। जो सेना का ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड में बदलाव कर दिया था। इसके मुताबिक हिंदू सैनिकों को अपने माथे पर तिलक लगाने की अनुमति नहीं थी, जो हिंदू सैनिक थे उनको अपने माथे पर तिलक लगाने की अनुमति नहीं थी, और मुसलमानों को दाढ़ी मूछ रखने की अनुमति नहीं थी, है ना। तो ऐसा हुआ था दोस्तों, तो बोल सकते हैं अपन ये, है ना, ये हुआ था जो मैंने बताया, वही हुआ था दोस्तों। इस कारण वेल्लोर के सिपाही विद्रोह ने विद्रोह कर दिया था, यानी इस कारण सिपाहियों ने वहां पे विद्रोह कर दिया था, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों, इस विद्रोह में लगभग 350 सिपाही मारे गए थे दोस्तों और 350 घायल हुए थे, 350 घायल हुए थे। तो ये पता होना क्यों हुआ था, मैंने बता दिया जबरन धर्म परिवर्तन था, जैसे तिलक लगाने की अनुमति नहीं थी, ड्रेस कोड में बदलाव किया गया था, मुसलमानों को दाढ़ी मूछ रखने की अनुमति नहीं थी, इस कारण ये वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो क्वेश्चन आता है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, 1806 में हुआ था, सर जॉर्ज वार्लो के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों। लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ये द्वितीय मत समझना, द्वितीय वाला आगे पढ़ेंगे अपन, द्वितीय वाला जो है वो कब बनता है, 1905 में बनता है, ये 1807 की बात है। तो लॉर्ड मिंटो जो है 1807 से लेके 1813 तक के भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसके काल में ही रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों, अमृतसर की संधि जो हुई थी ये किस किसके मध्यस्थ हुई थी, तो महाराज रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई थी, याद रखना है। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 प्राप्त हुआ था।
तो हम बोल सकते हैं कि इसी के टाइम पे अमृतसर की संधि हुई थी जो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेट कप के बीच हुई थी। रणजीत सिंह और चार्ल्स मेट कप के बीच हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेट कप के मध्य हुई थी, दोनों के बीच हुई थी, और ये हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में। तो इनसे इतना ही क्वेश्चन आएगा लॉर्ड मिंटो से, तो यहाँ पे पूछेगा अमृतसर की संधि किसके टाइम पे हुई थी और किन किन के बीच हुई थी, ये याद रखना है, और सन भी याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की, लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों ये 1813 से लेकर 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है, 1813 से लेकर 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। इसने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता को बढ़ाने का प्रयत्न किया था दोस्तों। इसी के समय सर्वप्रथम अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, इसी के समय सर्वप्रथम अंगल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। अंगल नेपाल युद्ध यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक के। तो क्वेश्चन आता है किसके टाइम पे अंगल नेपाल युद्ध हुआ था, तो अंगल नेपाल युद्ध जो है ये 1814 से लेकर 1816 हुआ था, ये सन याद रखना है। इसमें नेपाल के अमरसिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, मार्च 1816 में अंग्रेज एवं गोरखाओं के बीच भी, संघोली की संधि हुई थी, याद रखना है संघोली की संधि हुई थी, इसके द्वारा अंगल नेपाल युद्ध अंत हुआ था। यानी नेपाल संघोली की संधि के तहत अंगल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपने को याद रखना है। तो अंगल नेपाल युद्ध पूछा जाएगा दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ था, तो अंगल और नेपाल युद्ध हुआ था उसी के टाइम पे अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। किसको? अमर सिंह थापा, नाम याद रखना है, अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और 1816 में अंग्रेज और गोरखाओं के बीच, किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और गोरखाओं के बीच दोस्तों, 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के मध्यस्थ, इसको संगोली लिखा हुआ है, कई बुकों में ऐसा लिखा है संगौली है ना, संघ गाव की मात्रा, गौली संगौली की संधि हुई थी। यह युद्ध समाप्त हो गया था इस संधि के बाद, संगौली की संधि के बाद। संगौली संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल और कुमायूं अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे, गढ़वाल और कुमायूं अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे दोस्तों। और गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार कर लिया था, तो ये अपने को पता होना दोस्तों, इंपॉर्टेंट था, है ना। तो उसके बाद दोस्तों जब संधि हुई तो उसके बाद गोरखाओं की भर्ती भी हुई थी, तो सुगौली की संधि के शर्तों के अनुसार गोरखाओं ने सिक्किम को खाली कर दिया था, और संधि का सबसे बड़ा लाभ गोरखाओं का अंग्रेजी सेना में भर्ती था, भर्ती हुए थे उसके बाद बहुत। तो समझ में आ गया, कभी पूछा जाएगा संगौली की संधि क्या थी, तो समझ में आ गया अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हुई थी, अंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अंगल नेपाल युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1814-16 ईस्वी में, और किसने समर्पण किया था, और कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये पूछा जा सकता है। संगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ था, इतना याद रखना है। फिर इसी के समय पिंडारियों का दमन हुआ था दोस्तों, पिंडारी कौन थे, पिंडारियों के बारे में थोड़ा सा पता होना, पिंडारी कौन थे करके, है ना। तो पिंडारी जो है दोस्तों, पिंडारियों को अफगान लुटेरे मानते थे, यानी अंग्रेज जो है, अंग्रेज इतिहासकार पिंडारियों को अफगान लुटेरे मानते थे। तो इसी के समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में किस किस का नाम आता है, तो पिंडारियों के प्रमुख नेता में एकमात्र बड़े नेता का नाम आता है, जिसका नाम यहां मैं लिख के बता रहा हूं, दौलत लिखा नहीं रहा है यहां। पिंडारियों का एकमात्र दौलत राव शिंदे का नाम आता है दोस्तों, दौलत राव शिंदे को एकमात्र नेता मानते थे। और इसके अलावा वासिल मोहम्मद और चिंतू और करीम खां ये प्रमुख नेता थे दोस्तों, पिंडारियों के ये प्रमुख नेता थे। तो पिंडारियों का दमन किसके टाइम पे हुआ था, पूछा जा सकता है ना, तो याद रखना ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है
इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था दोस्तों। इसी के टाइम पे जो हुआ था, पेशवा द्वितीय यानी बाजीराव द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई हुई थी दोस्तों, अंतिम लड़ाई इसी के टाइम पे हुई थी, और जिसमें पेशवा को हार स्वीकार करना पड़ा था। तो ये याद रखना है, तो हार स्वीकार करना पड़ा था। तो इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था, उसके बाद नेक्स्ट फेक देखो, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर, देखो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके पहले, तो इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे, कुछ नियम कानून बनाए थे इसने कि इसके हिसाब से आप प्रेस चला सकते हो करके, तो इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत कृषकों को लगान चुकाने तक जमीन पर कब्जे का वंशानुगत अधिकार था। इसका मतलब यह था कि किसी की जमीन है दोस्तों, मान लो उसको कुछ हो जाए तो वंशानुगत अधिकार था कि उसका लड़का चुकाएगा, यानी उसके वंश का कोई दूसरा रहेगा वो लगान चुकाएगा। तो ये था दोस्तों एक्ट है ना, या इसी का नाम था कस्तकारी अधिनियम हिंदी में बोले और इंग्लिश में बोले क्या नाम है इसका, टेनेंसी एक्ट। तो क्या समझ में आया, है ना, क्या समझ में आया, इस एक्ट के तहत कृषकों को लगान चुकाने तक जमीन पर कब्जे का वंशानुगत अधिकार था। ये पता होना अपने को बस। तो ये बता दिया मैंने, ये एक्ट कौन सा था और क्या था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से परीक्षा लायक की थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। इतनी चीज़ें थी लॉर्ड हेस्टिंग से। अब बात करते हैं अपन, उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है जिसका नाम था लॉर्ड एम हर्ट। तो दोस्तों लॉर्ड एम हर्ट जो है ये 1823 से लेके 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा है दोस्तों, है ना। इसके समय ही प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों। अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था, ये 1824 से 1826 तक हुआ था। सन याद रखना है, अंगल बर्मा युद्ध का सन याद रखना है, 1824 से लेकर 1826 तक लड़ा गया था। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यांडबू की संधि हुई थी दोस्तों। तो बोल सकते हैं हम यह युद्ध मुख्य रूप से ब्रिटिश उपनिवेशक स्वार्थ के कारण ही लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को हरा दिया। और किसकी संधि हुई थी, यांडबू की संधि कब हुई थी पूछा जा सकता है, है ना। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सी संधि हुई थी, यांडबू की संधि हुई थी, याद रखना है। इस संधि के तहत अंग्रेज अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया था दोस्तों, यानी बर्मा पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो अंग्रेज अधिकारी वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया था। इसके प्रभाव में वृद्धि हो गई थी, तो ये समझ में आ गया। और इसी के टाइम पर 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था दोस्तों। तो 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एम्स हर्ट
एम्स हर्ट के समय ही हुआ था, एंड एम्स हर्ट के समय ही हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों ये? तो भारतीय सेना की एक फौजी टुकड़ी थी जो बर्मा जाने के बर्मा जाने का आदेश हुआ था, तो आदेश की अवहेलना के आधार पर, आदेश की अवहेलना कर दी थी वहाँ के सैनिकों ने, जो आदेश दिया गया था कि बर्मा चलना है करके लड़ाई करने, तो आदेश की अवहेलना के आधार पर धर्म और जाति को भ्रष्ट नहीं करेंगे, धर्म और जाति को भ्रष्ट नहीं करेंगे, इस कारण वहाँ पे ये बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था दोस्तों, है ना, सैन्य विद्रोह हुआ था, ये याद रख सकते हैं अपन। तो यानी उस टाइम पे ऐसा चलता था तत्कालीन समाज में किसी व्यक्ति द्वारा समुद्र पार करना धर्म को भ्रष्ट माना जाता था, है ना, समुद्र पार करना, और समुद्र पार करके वहां जा रहे थे इन लोग, कहाँ, बर्मा ले जा रहे थे सैनिकों को। तो उस टाइम पे तत्कालीन समाज में किसी भी व्यक्ति द्वारा समुद्र पार करना धर्म को भ्रष्ट माना जाता था, ऐसा था, ऐसी वो थी, तो इस वजह से वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने फिर विद्रोह को कुचला और विद्रोही फौजियों को गोली से उड़ा दिया था दोस्तों, तो समझ में आ गया, दो चीज इंपॉर्टेंट है लॉर्ड एम्स हर्ट के टाइम पे। तो इस लेक्चर में हम इतना डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में डिस्कस करेंगे।